फोटोशॉप के टूल बॉक्स में बहुत ही जरूरी टूल होते हैं, जिनमें से कुछ टूल को अधिक यूज में लाया जाता है, लेकिन अधिकांश टूल के बारे में कुछ ही लोगों को पता होता है कि उसे यूज कहाँ करना है। और कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे इन टूल बॉक्स के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, तो चलिए हम जानते हैं कि हम फोटोशॉप के सभी टूल को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही टेक्निकल जानकारियों के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर भी क्लिक करना ना भूलें, जिससे आप तक हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच सके। एडोब फोटोशॉप के सभी टूल्स का यूज सीखने से पहले मैं यहाँ पे अपने एडोब फोटोशॉप में कोई भी दो इमेज ओपन कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे फाइल पर क्लिक करूंगा, ओपन पर क्लिक करूंगा, और इसके बाद मैं यहाँ से कोई भी दो इमेज को सिलेक्ट कर लूंगा। इसके लिए कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को प्रेस करते हुए दो इमेज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, तो ये दोनों इमेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसे हम थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो टूल बॉक्स है, इसमें अगर हमें किसी टूल को यूज करना है तो उस पर हम माउस से लेफ्ट क्लिक को एक बार करते हैं तो वो टूल सिलेक्ट हो जाता है, या आप उस टूल के लिए जो भी कीबोर्ड शॉर्टकट है उसे भी प्रेस करके उस टूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इस टूल के लिए शॉर्टकट है सी, तो मैं यहाँ पे अगर कीबोर्ड से सी प्रेस करता हूँ तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी टूल सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी टूल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे उससे संबंधित ऑप्शंस आपको ऊपर मेन्यू बार में नजर आएंगे। यहाँ पर टूल बॉक्स में जो सबसे पहला टूल होता है वो होता है मर्करी टूल, और इसका कीबोर्ड शॉर्टकट एम होता है। कीबोर्ड से एम प्रेस करेंगे तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इस टूल का यूज करके हम किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं किसी भी शेप में। तो यहाँ पर हम इस टूल पर राइट क्लिक करेंगे और जिस शेप में हमें सिलेक्ट करना है उस शेप को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब हमें जो भी इमेज सिलेक्ट करना है उस पर जहाँ से हमें सिलेक्शन स्टार्ट करना है वहाँ पर माउस के कर्सर को रखेंगे, इसके बाद यहाँ से माउस के लेफ्ट क्लिक को करते हुए आगे ले जाएंगे और जहाँ तक हमें ये सिलेक्ट करना है वहाँ तक हम इसे ले जाएंगे, तो ये सिलेक्शन जो है पूरा हो जाएगा। इस तरह से आप जो है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप इस सिलेक्ट किए हुए भाग पर कलर चेंज कर सकते हैं या आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस सिलेक्ट किए हुए भाग में कलर चेंज करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे इमेज पर क्लिक करेंगे, एडजस्टमेंट पर जाएंगे, इसके बाद जो भी कलर हमें चेंज करना है उस पर जा करके हम यहाँ से चेंज करेंगे तो वो सिर्फ उसी भाग में चेंज होगा जो भाग हमारा यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है। ओके पर क्लिक करेंगे तो ये कलर सेव हो जाएगा। इसी तरह से हम सिलेक्ट किए हुए भाग को मूव भी कर सकते हैं कहीं और। इसके लिए हम यहाँ पर मूव टूल को लेंगे। इस टूल का यूज हम किसी लेयर इमेज या फिर किसी इमेज के सिलेक्ट किए हुए भाग को मूव करने के लिए करते हैं। तो इसका जो शॉर्टकट की है वो है भी, अगर कीबोर्ड से भी प्रेस करते हैं तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा, या हम इस पर माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब इस भाग को जो हमारा सिलेक्ट है इसे हम कहीं भी मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमें इस सिलेक्ट किए हुए भाग को यहाँ पर मूव करना है, या अगर हमें इस सिलेक्ट किए हुए भाग को किसी दूसरे इमेज पर ले जाना है तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से इसे ड्रैग करते हुए इस इमेज पर ले आएंगे और यहाँ पर छोड़ देंगे तो ये जो है देखिए सिलेक्ट किया हुआ भाग यहाँ पर आ चुका है। इसी तरह से जो है आप किसी भी इमेज या फिर लेयर को मूव कर सकते हैं इस मूव टूल से। इसके बाद जो अगला टूल है वो है लासो टूल। इसके द्वारा फोटो के किसी हिस्से को बहुत ही बारीकी से सिलेक्ट किया जा सकता है। इसके तीन प्रकार होते हैं जिसे आप राइट क्लिक करके देख सकते हो। यहाँ पर जो पहला टूल है वो है लासो टूल। यह एक फ्री ट्रांसफॉर्म टूल की तरह काम करता है। सिलेक्ट करने के लिए आप इसे माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब जिस हिस्से को इमेज के जिस हिस्से को सिलेक्ट करना है वहां से माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखे और इसके बाद जहां तक हमें सिलेक्ट करना है यहां पर कुछ इस तरीके से हम इसे सिलेक्ट करते जाएंगे और माउस के लेफ्ट बटन को दबाए रखेंगे। इसके बाद जहां तक हमें सिलेक्ट करना है वहां पर आएंगे और वहां पर हम माउस के लेफ्ट क्लिक को छोड़ देंगे तो ये जो सिलेक्शन मिल जाएगा और ये पूरा इमेज का ये भाग सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम इस सिलेक्ट किए हुए भाग को इस मूव टूल से कहीं मूव कर सकते हैं या फिर इसमें हम कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इसी तरह इसी लासो टूल में और एक टूल है, इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है पॉलीगनल लेसो टूल। ज्यादातर इस टूल का यूज किया जाता है किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को हटाने के लिए तो इसके लिए हम इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पॉलीगनल लेसो टूल सिलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें जो भी जहां भी सिलेक्ट करना है वहां पर हम एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तरह का लाइन आ जाएगा। इसके बाद जहां जहां हमें सिलेक्ट करना है वहां पर हम क्लिक करते जाएंगे। यहाँ पर हम जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद हमें यहाँ पे क्लिक करना है, इसी तरह से हम इसे क्लिक करते हुए माउस के लेफ्ट क्लिक को क्लिक करते हुए इसे सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर इस इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं और इसे आप कहीं भी मूव कर सकते हैं सिलेक्ट किए हुए भाग को, या फिर इसमें आप कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। इसी टूल में एक तीसरा टूल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखें कि एक तीसरा टूल है मैग्नेटिक लासो टूल। इस टूल को सिलेक्ट करने के लिए इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। इस टूल का यूज करके आप काफी कम समय में किसी भी इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक बार क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हम बस माउस के कर्सर को इसके पास रखते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जो है सेम कलर के एरिया को जो है सिलेक्ट करता जाएगा। यहाँ पे हमें कोई भी क्लिक नहीं करना है सिलेक्ट करने के लिए, बस हमें माउस के कर्सर को आगे बढ़ाते जाना इसके चारों ओर, तो ये ऑटोमेटिकली इसे डिटेक्ट करके सिलेक्ट करता जाएगा। इसके बाद जहाँ तक हमें सिलेक्ट करना है वहाँ पे माउस के लेफ्ट क्लिक को एक बार और क्लिक करेंगे तो ये पूरा सिलेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से जो आप बहुत ही कम समय में इस टूल का यूज करके किसी भी एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो है मैजिक वैन टूल। इस टूल का यूज करके आप किसी भी सेम कलर के एरिया को एक ही बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टूल का जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो W है। इस टूल से अगर हम किसी भी इमेज के किसी भी भाग पर क्लिक करते हैं तो वहां पर जो सेम कलर का एरिया है उसे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसे सिलेक्ट कर देता है। तो हम जहां भी क्लिक करेंगे उससे मिलता जुलता जितना भी कलर का एरिया उसके आसपास है उसे ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा। तो इस तरह से आप जो है इस मैजिक वैन टूल से बहुत ही कम समय में किसी भी सेम कलर के एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका यूज ज्यादातर बैकग्राउंड को हटाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला जो टूल है वो है क्रॉप टूल। इसका यूज करके आप किसी भी इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो C है। इस टूल से इमेज को क्रॉप करने के लिए जहां से हम क्रॉप को स्टार्ट करना चाहते हैं वहां पर पहले माउस के कर्सर को रखेंगे, उसके बाद हम यहां पे माउस के लेफ्ट क्लिक को करते हुए जहां तक हम क्रॉप करना चाहते हैं वहां तक इसे ले जाएंगे। इसके बाद हम जैसे ही इसे छोड़ेंगे तो यहां पर एक सिलेक्शन एरिया बन जाएगा। हम जो है इस सिलेक्शन एरिया को किसी भी साइड से छोटा या बड़ा कर सकते हैं और यहां पर कंफर्म करने के लिए हम कीबोर्ड से इंटर बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा जो यहाँ पर इमेज है वो क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप करने के लिए आप यहाँ से हाइट विड्थ एंड रेजोल्यूशन को सिलेक्ट करके भी क्रॉप कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो है स्लाइस टूल। इस टूल का यूज इमेज को कई हिस्सों में बांटने के लिए किया जाता है। ज्यादातर इस टूल का यूज वेब पेजेस को बनाने के लिए होता है। इसके बाद जो अगला टूल है उसका नाम है हेलिंग ब्रश टूल। इस टूल का कीबोर्ड शॉर्टकट J होता है। इस टूल से हम किसी इमेज के दाग धब्बों को हटा सकते हैं। जैसे कि अगर इस इमेज में कोई दाग धब्बा होता तो हम इसके लिए इसे पहले जूम करते हैं। यहाँ पे जूम है, इसे हम आगे करेंगे तो इमेज जूम होगा। और इसके बाद जहाँ पे दाग धब्बा है वहाँ के दाग धब्बों को हटाने के लिए हम बगल के पिक्सल्स को उठाएंगे। जैसे कि हमें यहाँ से पिक्सल को लेना है और यहाँ पर इसे हटाना है तो हम यहाँ से पिक्सल लेने के लिए कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर एक बार माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे तो यहाँ से पैटर्न आ जाएगा। इसके बाद हमें जहाँ का दाग धब्बा हटाना है वहां पर हम क्लिक करते जाएंगे माउस से लेफ्ट क्लिक से, तो यहाँ का जो दाग धब्बा है वो इमेज से हटता जाएगा। तो इस तरह से आप हेलिंग ब्रश टूल से बहुत ही आसानी से अपने इमेज के दाग धब्बों को हटा सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है वो है ब्रश टूल। इसका यूज हम कहीं भी कलर को फिल करने के लिए करते हैं। यहाँ पे जो कलर फिल होगा वो यहाँ से फिल होगा। यहाँ पे हम जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके जो भी कलर हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे वही कलर हम यहाँ पे फिल होगा। अगर हम अपने किसी भी सिलेक्टेड ब्रश के साइज को छोटा या बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक करके अपने ब्रश के साइज को बड़ा या फिर हम इसे छोटा कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है उसका नाम है क्लोनिंग स्टाम्प टूल। इस टूल का यूज करके हम किसी भी जगह का क्लोन बना सकते हैं और इसका जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो S है। जब हम कीबोर्ड से S प्रेस करेंगे तो ये टूल सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम जिस जगह का क्लोन बनाना चाहते हैं उस जगह पे कीबोर्ड से Alt की को प्रेस करके उस जगह पर क्लिक करेंगे तो उस जगह का क्लोन आ जाएगा। इसके बाद जहां हम उस क्लोन को रखना चाहते हैं वहां पर माउस से राइट क्लिक करते हुए घिसेंगे तो वहां पे जो है वो क्लोन आ जाएगा। इसके बाद जो अगला टूल है उसका नाम है हिस्ट्री ब्रश टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट Y होता है। अगर हमने ब्रश टूल से कहीं पर कोई भी ब्रश से कलर किया हुआ है और हमें कलर किए हुए कुछ भाग को हटाना है तो हम हिस्ट्री ब्रश टूल का यूज करके कहीं से भी कलर को हटा सकते हैं। इसके बाद जो टूल है वो है इरेज टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट E होता है। इस टूल से हम किसी भी लेयर के इमेजेस के किसी भी भाग को इरेज कर सकते हैं और यहाँ पर अगर हम बैकग्राउंड लेयर में कुछ इरेज करते हैं तो यहाँ पे जो नीचे का कलर है ये कलर ही यहाँ पर फिल होगा। अगर हम नीचे कोई और कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और तब हम अगर बैकग्राउंड को इरेज करते हैं तो यहाँ पर जो हमने कलर सिलेक्ट किया हुआ है वही कलर फिल होगा।
इसके बाद जो अगला टूल है उसका नाम है ग्रेडियंट टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट जी होता है। इस टूल से हम किसी भी इमेज पर एक साथ दो कलर को लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी दो कलर सिलेक्टेड होगा वही यहाँ पर फिल होगा। कलर फिल करने के लिए हम यहाँ से माउस के लेफ्ट क्लिक करते हुए यहाँ तक ले जाकर छोड़ देते हैं, तो यहाँ पर जो दो कलर है वो यहाँ पर फिल हो जाएगा। इसके बाद जो अगला टूल है वो है ब्लर टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट आर होता है। इस टूल से हम इमेज के किसी भी भाग को ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम इस पर अगर माउस से लेफ्ट क्लिक को करते हुए इसे घिसेंगे तो यहाँ पर जो ये भाग है इमेज का ये ब्लर होता जाएगा। इसी तरह से हम जो है यहाँ पर इमेज के किसी भी भाग को ब्लर कर सकते हैं इस ब्लर टूल का यूज करके। इसके बाद जो टूल है इस पर राइट क्लिक करने के बाद तीन टूल नजर आते हैं। एक है डॉट्स टूल। इस टूल का यूज किया जाता है किस तरह इमेज के किसी भी भाग को लाइट करने के लिए। इसी टूल पर राइट क्लिक करने के बाद जो दूसरा टूल है बर्न टूल, इसका यूज किया जाता है किसी भी इमेज के पिक्सल को डार्क करने के लिए। और इस टूल पर राइट क्लिक करने के बाद जो तीसरा टूल है स्पंज टूल, इस टूल का यूज किया जाता है इमेज के किसी भाग को सैचुरेट करने के लिए। इसके बाद जो अगला टूल है वो है पेन टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट पी होता है। इस टूल का यूज इमेज को माइक्रो सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके द्वारा आप फ्री सिलेक्शन कर सकते हैं। इससे आप जो भी एरिया सिलेक्ट करते हैं उसमें आपको कॉर्नर्स या फिर कटिंग एज दिखाई नहीं देते और इससे जो है बहुत ही स्मूथ सिलेक्शन पाथ क्रिएट होता है। पेन टूल से जो भी एरिया आप सिलेक्ट करते हैं उसे मूव करने के लिए आप पाथ सिलेक्शन टूल का यूज कर सकते हैं और इससे आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है उसका नाम है हॉरिजॉन्टल टाइप टूल। इसका यूज करते हैं हम इमेज पर कहीं भी कुछ लिखने के लिए। इसके बाद आता है शेप टूल, जिस पर राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे शेप्स दिखाई देंगे और आप अपने इमेज पर कोई भी शेप बना सकते हो। आप अपने इमेज पर जो भी शेप बनाते हो उसका कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। इसके बाद जो टूल है उसका नाम है नोट टूल, जिसका कीबोर्ड शॉर्टकट एन होता है। इसके द्वारा आप एक या इससे अधिक नोट को एक इमेज में अटैच कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला टूल है उसका नाम है कलर पिकर। इसका यूज करके आप कोई भी कलर इमेज पर से पिक कर सकते हैं जो कि आपको यहाँ पर शो होगा। इसके बाद जो टूल है उसका नाम है हैंड टूल। इसका यूज करके अगर आपका कोई इमेज जूम किया हुआ है तो आप अपने इमेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जूम टूल है, जिसका यूज करके आप अपने इमेज को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। अगर आपको जूम आउट करना है तो आप इसको सिलेक्ट करें और इसके बाद इस पर क्लिक करें, अपने इमेज पर क्लिक करें तो आपका इमेज जूम आउट होगा। और जूम इन करने के लिए इस प्लस के आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जो है वो जूम इन होगा। अब यहाँ पे जो कलर बॉक्स है, यहाँ पर जो ऊपर का कलर है ये आप जो भी कलर ब्रश में लेंगे वो कलर यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और आपका इरेजर जो कलर लेगा वो कलर आपको यहाँ नीचे बैकग्राउंड में लेना होगा। कलर को यहाँ से पिक करने के लिए आप इस कलर पर क्लिक करके कोई भी कलर यहाँ से सेट कर सकते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में हर टूल का बेसिक यूज ही बताया है, क्योंकि सभी यूज को एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता था। और अगर आपको टूल के बारे में और ज़्यादा जानना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फोटोशॉप का प्लेलिस्ट है, आप वहां से उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।